तो दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी, उसके बाद में जो है बर्थ सर्टिफिकेट सभी लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन काफी सारे लोगों के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए आप जो है ऑनलाइन किस तरह से आवेदन करेंगे, किस तरह से आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट जो है बेसिकली तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो उस कंडीशन में जब बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल के द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेकंड दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म हॉस्पिटल छोड़कर कहीं दूसरी जगह हुआ है तो उस केस में आप जो है 26 दिन के अंदर अंदर इस वाले पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए जो है रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है सर्विस प्लस पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से आप जो है किसी भी उम्र के व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल से इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो इस वाले पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक रजिस्टर्ड का, एक लॉगिन का। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, यहाँ पर आपको जो एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है ना, पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना है यहाँ पर आपको नीचे बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि abc@123, ठीक है ना, इस तरह का आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो सभी स्टेट में जो है ये सर्विस लाइव है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने मध्य प्रदेश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है ना, अब आपको चले जाना है लॉगिन वाले बटन पर। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो लॉगिन आईडी में जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर्ड किया है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। पासवर्ड में जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है एंड लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो ये आपका नाम दिखाई देगा जिससे कि आपने प्रोफाइल बनाया है। अब आपको यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल, अगर आप अपनी प्रोफाइल में और भी कुछ चीजों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में एड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आ जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले बटन पर, यहाँ पर आपको जो है कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है व्यू ऑल सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके स्टेट की जितनी भी सारी सर्विसेज है वो सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। कितने पेजेस में सर्विसेज है वो पेज भी आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। आप यहाँ पर जो है पेज वाइज भी अपनी सर्विसेज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपने स्टेट की बर्थ रजिस्ट्रेशन वेबसाइट को फाइंड करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे birth, तो आपके सामने यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन का सर्विस आ जाएगा। आपको सिंपली इस वाली सर्विस पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस वाले फॉर्म को आपको जो है फिल करके सबमिट कर देना है। तो कैसे फिल करना है चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है सामान्य जानकारी में उस व्यक्ति की जानकारी देनी होगी जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जो है नाम लिखेंगे, जिस भी व्यक्ति का आप या जिस भी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जन्म तारीख आप जो है इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है शब्दों में जन्म तारीख को लिखना होगा। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्शन करना होगा, बालक है बालिका है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना होगा। यहाँ पर जो है अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको समग्र आईडी एंटर करना होगा पिता का। यहाँ पर आपको जो है माता का नाम लिखना होगा और माता का समग्र आईडी यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका जो आधिकारिक क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नगर पालिकाओं का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपकी जो भी नगर पालिका लगती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना
बताना है, यहाँ पर आपको जो है जन्म संबंधी विवरण देना है, ठीक है ना। तो बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है वो डिटेल आपको देनी है, जैसे कि अस्पताल में हुआ है, घर पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जब जन्म हुआ था वो पता कौन सा है, वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। कंट्री आपका सिलेक्टेड रहेगा, राज्य आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपका जो कंप्लीट एड्रेस है जहां पर कि आप निवास करते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है पत्राचार के लिए। जो भी आपका गांव का नाम है आप लिखेंगे, सड़क का नाम लिखेंगे, कंट्री आपका सिलेक्टेड रहेगा, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का विवरण, ठीक है ना, आवेदक कौन है, आप अगर स्वयं आवेदक है तो भी आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जो है रिलेशनशिप में आप यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे, अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप में आप फादर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पिता का नाम, आपके पिता का नाम आपको लिखना है, जो भी आवेदक है उसके पिता का नाम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, मतलब जो भी आवेदक है उसका एड्रेस डालेंगे। कंट्री सिलेक्टेड रहेगा, स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेम एज इट इज सिलेक्ट कर लेना है, और पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब बात करते हैं कि आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे, तो वो यहाँ पर आपको देख लेना है। जन्म पंजीयन का एक प्रपत्र चाहिए पूर्णतः भरा हुआ, ठीक है ना। मतदाता परिचय पत्र की प्रति, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो आपको यहाँ पर लगेगा। राशन कार्ड की प्रति, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो उसकी प्रति आपको यहाँ पर लगेगी। राशन कार्ड अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो ऑनलाइन आप राशन कार्ड किस तरह से बनाएंगे, इस पर भी डिटेल में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख के आप अपना राशन कार्ड भी ऑनलाइन बना सकते हैं। विलंब की स्थिति में यहाँ पर आपको जो है नोटरी लगेगा, ठीक है ना, जो कि तहसीलदार के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा आप जो है ये नोटरी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नोटरी आपको यहाँ पर लगेगा। बालक बालिका का फोटो, अगर 5 साल से बड़ा बालक या बालिका के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका फोटो लगेगा। और भी जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इनको आप जो है सभी का आप एक फोटो कॉपी करा लेंगे। इस वाले फॉर्म को आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका जो ऑफिस है वो आपको बता दिया जाएगा। इस वाले कैप्चा को आप यहाँ पर डालेंगे एंड यहाँ पर आप फॉर्म को कर देंगे सबमिट। तो ऑनलाइन तो यहाँ से आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जो भी संबंधित ऑफिस आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उस ऑफिस में आपका फॉर्म भेज दिया जाएगा। लेकिन आपका जो फॉर्मेलिटीज है उसको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपसे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिसको कि आपने जो भी ऑफिस आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उस ऑफिस में जाकर जमा भी कर देना है, जिससे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र अच्छे से बन जाए और जल्दी से बन जाए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेलिटीज आपको कर लेनी है। तो जैसे ही अभी सारी फॉर्मेलिटीज को कर लेते हैं तो 20 से 21 दिन में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो जाता है। फिर आप चाहे तो ऑफिस से भी जाकर कलेक्ट कर सकते हैं या तो आप जो है यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है व्यू स्टेटस एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस इस वाले बटन पे जाएंगे। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब से कब तक आपने अप्लाई किया था वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। तो जिस डेट में आपने अप्लाई किया था वो डेट आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, गेट डाटा वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाता है तो फिर उसको आप जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो आप जो है संबंधित जो भी आपने ऑफिस सिलेक्ट किया है वहां से आप जाके उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एज के व्यक्ति के लिए आप जो है जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा। अगर आपको जो इस वाले पोर्टल से किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो एक ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल भी है जहां से कि आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ताकि मैं उस वाले पोर्टल पर भी आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र आप किस तरह से अप्लाई करेंगे उसका भी डिटेल प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, जिन भी लोगों को राशन कार्ड ऑनलाइन बनाना है वो एंड स्क्रीन वाला वीडियो देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।